हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाने की खिली खिली हरियाली खिचड़ी बनाएंगे। ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक कप साबूदाना लेंगे। साबूदाने में पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए धो लेंगे। साबूदाने को हमें दो बार धोना है। साबूदाने को धोने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। साबूदाने में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालने से साबूदाना ज़्यादा पानी सोख कर लेता है और खिचड़ी बनाते समय साबूदाने आपस में चिपक जाते हैं और खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। पानी हमें इतना ही डालना है कि साबूदाने अच्छे से फूल जाएँ। अब हम इसे ढककर 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट सोक करेंगे। अगर आप खिचड़ी सुबह जल्दी बनाना चाहते हैं तो रात को ही साबूदाने को भिगोकर रख सकते हैं। साबूदाने को हमने 5 से 6 घंटा ढककर छोड़ दिया था और साबूदाना अच्छे से फूल गया है और आप देख सकते हैं कि साबूदाना बिल्कुल खिला खिला है। एक एक दाना आप अलग अलग देख सकते हैं। तो अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम मिक्सी के छोटे जार में 4 छोटी साइज़ की हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ते। अगर आप व्रत में कड़ी पत्ते नहीं खाते हैं तो आप कड़ी पत्ते की जगह इसमें पुदीने का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे और अब हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसते समय हमें इसमें पानी नहीं डालना है। पीसने के बाद अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पेन में 2 टेबल स्पून मूँगफली का तेल डालेंगे। अगर आप व्रत में तेल यूज़ नहीं करते तो आप इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, साथ में पिसा हुआ मसाला डालेंगे और अब हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते डालेंगे, 2 टेबल स्पून मूँगफली। अब हम लो फ्लेम पर सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। साथ में स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। अब हम आलू को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तीन से चार मिनट आलू को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली, जिसे हमने छिलका निकालकर दरदरा पीस कर लिया है। साथ में भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे और अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, 1 चम्मच शुगर पाउडर और एक बार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। बीच में हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सात से आठ मिनट खिचड़ी को हमने ढककर पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, साथ में थोड़े से अनार के दाने और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी और खिली खिली हरियाली साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।